यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामा। यामा 135 में गियरों में प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम गियर लीवर चेक करेंगे, गियर डल रहे हैं या नहीं। ये बिल्कुल न्यूट्रल है दोस्तों, और गियर जो हैं अटक रहे हैं इसमें। ये देखो गियर ऊपर नीचे कर रहे हैं लीवर। अभी हमने क्लच कवर खोलना शुरू किया, हमने ये ऑयल निकाल लिया इसका, और ये अब हम किक का बोल्ट खोलेंगे। किक का बोल्ट खोल के हम ये खोल के देखते हैं, चेक करके क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये यामा 135 है दोस्तों। ये देखो हम आराम से किक निकाल लेंगे। किक निकालने के बाद में देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है इसमें। यह हमारे पास अभी आई है यामा 135। ये देखो ऑयल गेज खोल लिया हमने ये, और इसके सारे स्क्रू हम इंपैक्ट सेट से खोल लेंगे दोस्तों। ये देखो इंपैक्ट सेट लाए हुए हमने। ये देखो इंपैक्ट सेट से हमने ये क्लच कवर के बोल्ट खोल लिए हैं दोस्तों। ये देखो हमने खोल लिए बोल्ट, और खोलने के बाद में देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है, क्योंकि अजीब और गरीब प्रॉब्लम आई है ये हमारे सामने। इसमें क्या है, बस ये न्यूट्रल है, बस गियर नहीं डल रहे हैं दोस्तों। देखते हैं इसे खोल के, खोलने के बाद में ही पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जहाँ तक की उम्मीद है क्लच खोल के जब ही पता चलेगा इसका। पूरा क्लच असेंबली पूरी खोलेंगे हम। क्लच असेंबली खोलने के बाद में जब देखते हैं चेक करके, ये देखो ये सारे क्लच कवर के स्क्रू हमने खोल लिए हैं। ये देखो क्लच कवर हम आराम से निकालेंगे, क्योंकि हमने इसे रंग पेंट कराई थी गाड़ी को, इसमें भी प्रॉब्लम हुई है। ये क्लच कवर पैकिंग हम उतार के एक तरफ डाल देंगे और ये करेंगे, और इसका ये देखो क्लच गियर लीवर जो है अंदर का गियर शाफ्ट ये अटक रही है अंदर। ये देखो ये गियर अटक गई है, ना तो गियर डाल रही है ना निकाल रही है ये। अब हम क्लच खोलते हैं। क्लच खोलने के बाद में करेंगे इसकी सेटिंग दोस्तों। ये यामा 135 है दोस्तों। ये देखो हमने चारों बोल्ट खोल लिए इसके क्लच के। ये देखो खोल लिया हमने। खोलने के बाद में ये देखो क्लच असेंबली निकाल ली हमने, और अब ये देखो ये जो ये है ये गियर लीवर देखो ये कैसे फंसा पड़ा है। अब निकला ये दोस्तों, देखो ये देखो अब राइट है ये, अब सही है ये, पहले फंसा पड़ा था ये, ठीक है दोस्तों। ये देखो अब सही काम कर रहा है, और इसे अब हम इसकी जो प्लेट होती है ये खोल के देखते हैं, ये मुड़ रही है ये। इसे खोलने के बाद में हम सीधे करेंगे, सीधे करने के बाद में जब लगाएंगे ये देखो टेढ़ी हो रही है। इसे अब हम सीधे करा के क्या करके और लगाएंगे इसे। ये देखो ये लीवर गियर शाफ्ट सही काम कर रही है दोस्तों। ये देखो ये अब हम इधर से खोलेंगे, गियर शाफ्ट भी देखते हैं चेक करके, पूरी गियर शाफ्ट खोल के देखते हैं कहीं से मुड़ रही तो नहीं है।
चेक करेंगे और ये हमने मैग्नेट कवर खोलना शुरू कर दिया दोस्तों। ये देखो ये मैग्नेट कवर हमने, ये देखो ये मैग्नेट हमने पूरा खोल लिया है। अब निकाल देंगे आराम से और इसका गियर शाफ्ट में लॉक लगा हुआ होता है चैन टाइप, ये पेचकस की मदद से हम निकाल देंगे। ये देखो आराम से ये निकल गया लॉक। ये निकालने के बाद में हम गियर शाफ्ट निकालेंगे दोस्तों। ये देखो गियर शाफ्ट बिल्कुल सही काम कर रही है दोस्तों, गियर शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, सीधी है बिल्कुल, अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल सही है। अभी हमने गियर शाफ्ट फिट कर दी और अब हम क्लच फिट कर रहे हैं दोस्तों। क्लच फिट करने के बाद में देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। ये क्लच कटोरा लिया हमने, ये आराम से जो क्लच वाली गरारी वो किक वाली जो गरारी होती है इसे उंगली से हिला डुला के जब सेट करके लगाएं बड़े आराम से बैठता है क्लच। ये देखो हमने ये देखो हल्का सा हिला ये बैठ गई दोस्तों। इसी तरीके से काम करना चाहिए इसमें, यामा 135 हो या हमारा X100 हो, ये आराम से और बिना औजार के, स्पेशल टूल हैं इसके, बिना स्पेशल टूल के काम मत करें इसके, क्योंकि इसका जो क्लच असेंबली होती है दोस्तों, बाजे मैकेनिक भाई क्या काम करते हैं इसमें, गियर में पेचकस लगा देते हैं और आवाज़ नहीं ख़त्म होती, आवाज़ कभी भी नहीं ख़त्म होने की दोस्तों, क्योंकि पूरी क्लच असेंबली बदलनी पड़ेगी। ये प्राइमर गियर भी और क्लच असेंबली पूरी कंप्लीट पूरी, ये 19 के गुटके से हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद में देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। जहाँ तक तो उम्मीद है रिज़ल्ट सही निकलेगा इसका। ये क्लच पुलर है हमारा, ये हम क्लच पुलर से लॉक कर देंगे दोस्तों। ये क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट नंबर वाइज लगाएंगे, जैसे हमने और वीडियो में बताई है क्लच प्लेट या हमारे X100 की या 135 की किस तरीके से लगनी चाहिए, उसी तरीके से लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्लच कटोरा खोल के देखा है दोबारा। क्लच कटोरा खोलने के बाद में देखते हैं इसमें ये स्प्रिंग नहीं कर रहा था काम सही, इसे अब हम सेट करके लगाएंगे। दोस्तों देखो हमने ये दोबारा सेट करके लगाया है क्योंकि गियरों में प्रॉब्लम थी। ये गियर हम यहीं कहीं डाल के देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि गियर सही काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमें दोबारा खोलना पड़ा है। ये यहीं कहीं हमने चेक करके देख लिया था ये दोस्तों। अभी हम पेचकस की मदद से इसे आगे पीछे करके देखेंगे गियर सही डल रहे हैं या नहीं डल रहे हैं। ये देखो फिलहाल तो गियर सही डल रहे हैं इसके, ये देखो ये देखो गियर सही निकल रहे हैं, डल रहे हैं। पहले क्या प्रॉब्लम थी, इसके गियर ना निकल रहे थे ना डल रहे थे, बिल्कुल न्यूट्रल थी गाड़ी दोस्तों। और अब हम ये टेक्निक इस्तेमाल करो, गियर डलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाजे मैकेनिक भाई चक्कर काट जाते हैं अभी काम किया अभी क्या हो गया इसमें, क्योंकि बाजे दफ़े ये गियर शाफ्ट जो है ये अटक जाती है इसमें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें दोस्तों। ये देखो गियर बड़े प्यार से डल रहे हैं दोस्तों, ये अच्छे डल रहे हैं गियर। पहले क्या था, पहले गियर ही नहीं डल रहे थे, न्यूट्रल थी बिल्कुल गाड़ी, ना आगे का ना पहला गियर डल रहा था ना दूसरा गियर डल रहा था, कोई सा भी गियर नहीं डल रहा था दोस्तों। ये अब हमने देखो बड़े प्यार से गियर निकल भी रहे डल भी रहे, ये देखो अब ये यहाँ पे ओके है। ठीक है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये गियर शाफ्ट भी सही काम कर रही है इसकी। ये देखो
ये हमारे यहाँ से यामा 135 बन के गई थी बाहर, ये वहीं से आई है हमारे पास। ये देखो हमने क्लच असेंबली हब सेंटर वगैरह टाइट करने शुरू कर दिए, फिटिंग करना शुरू कर दिया हमने। ये देखो फिट कर दिया हमने, और फिट करने के बाद में देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये फ्री घूमना चाहिए हब सेंटर दोस्तों, टाइट ना घूमना चाहिए और ना ही पले रहने चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। ये हमने टेस्ट प्लेट लगा दी है, देखो सही काम कर रही है। और क्लच प्लेट नंबर वाइज लगानी चाहिए, ये खांचा छोड़ के दूसरा इसमें है क्लच प्लेट का निशान, हमने और वीडियो में भी बताया हुआ है आप भाइयों को। ये देखो ये इस तरीके से क्लच प्लेट प्लेन वाला हिस्सा ऊपर और गोलाई वाला नीचे, ये जैसे हमने एक खांचा यहाँ छोड़ा है, एक खांचा दूसरी जगह, ठीक है दोस्तों। ये देखो इसमें प्रेशर प्लेट में खांचों का निशान है दोस्तों, वे अलग अलग टाइप से डलते हैं ये, ठीक है दोस्तों। एक छोड़ के एक, ये इस तरीके से क्लच प्लेट सेटिंग होती है इसकी। यामा 135 हो या हमारा 100 हो दोस्तों, इनका क्लच असेंबली ऐसे ही फिट करनी चाहिए। ये देखो, और क्लच प्लेट कभी भी नहीं डालें तो ऑयल में भिगो के डालें, ठीक है दोस्तों। ये देखो जैसे हमने ऑयल में भिगो रखी ना क्लच प्लेट, ऐसे भिगो के लगाएं। ये देखो ये खांचा देख लो वहाँ आ गया इसका बराबर, और हब सेंटर पे निशान दिए हुए इस पर टाइमिंग के। ये देखो एक बिंदु का निशान दिखाई दे रहा होगा इस पर हब दूसरे वाले सेंटर पे, और दोनों सेंटर के ये टाइमिंग मिला के इसे फिट कर लें। ये देखो ये तीर का निशान दिया हुआ है, ये बिंदु का निशान दिया हुआ है, इसका ये टाइमिंग बिठा लें, क्योंकि अगर जो ये टाइमिंग नहीं बिठाने के तो क्लच आपका सेट नहीं बैठेगा दोस्तों, क्लच काम नहीं करेगा सही। और ये चारों स्प्रिंग और ये नट बोल्ट लगा के तैयार करके हमारा पूरा क्लच असेंबली कंप्लीट हो गई दोस्तों, गियर से ही कंप्लीट से काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और जैसी भी वीडियो चाहिए आपको ऐसी वीडियो हम देते रहेंगे, या हमारे 100 की, या हमारे 135 की, KB100 की, इंडो सुजुकी की, TVS सुजुकी की, सारी गाड़ियों की वीडियो हम बना बना के भेजो जाएंगे। हमारे पे KB100 भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं, राजदूत की कहोगे राजदूत की भी वीडियो बना के भेज देंगे दोस्तों। टू स्ट्रोक की स्कूटर की भी है हमारे पास, स्कूटर स्कूटर का भी काम करते हैं हम, बजाज चेतक, प्रिया, कोई सा लम्बरेटा हो, कोई सा भी हो, विजी सुपर हो, कोई सा भी राजदूत वगैरह, ऑल बाइक का काम करते हैं हम, ऑल स्कूटर का भी काम करते हैं, ऑल स्कूटी का भी काम करते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। देखो अब हमारा क्लच बिल्कुल सेट हो चुका। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें, हमारा पूरा क्लच कंप्लीट, गियर कंप्लीट।